शॉर्टेस्ट वन शॉट सीरीज में हेलो एल्केन्स और अमीन्स के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन दोस्तों के बारे में, राजू, श्याम और बाबूराव। एक मिनट, श्यामाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सॉरी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर के बारे में। यार मेरे जो वन शॉट है वो खाली शॉर्ट टेस्ट नहीं होते हैं, साथ ही में आपको नेमिंग रिएक्शंस की ट्रिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन के चार्ट और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साथ साथ बताता चलता, साथ ही में आपको हैंड रिटन बेस्ट नोट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर को। तो चलिए डिस्कस करते हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में। तो यार अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल्स यार आपके वो कंपाउंड्स, अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप अटैच कर दो तो आपका जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। जैसे कि अगर मैं मीथेन का एग्जांपल लूं तो मीथेन के CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप लगा दूं तो जो आपका कंपाउंड बनता है वो होता है मीथेनोल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। सेम अगर आपके जो और हाइड्रोकार्बन से लाइक इथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के आप OH ग्रुप लगा दोगे तो उस हम बोलते हैं इथेनॉल। तो वो जो हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, मतलब आपका एल्काइल ग्रुप से अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल्स। अब आ जाते हैं फिनोल्स पे। तो फिनोल क्या होते हैं यार, फिनोल के ज्यादा कंपाउंड नहीं होते, अकेला कंपाउंड है। अगर बेंजीन रिंग से आपका हाई OH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। और यार कई बच्चों का डाउट होता है कि यार फिनोल क्या एरोमेटिक अल्कोहल है? बिल्कुल नहीं, फिनोल एक अलग कंपाउंड है यार। एरोमेटिक अल्कोहल आपके होते हैं जो आपके बेंजाइलिक अल्कोहल है ना, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। लेकिन फिनोल एक अलग कंपाउंड है, बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उससे फिनोल बोलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ ईथर की, क्योंकि हम दो पार्टनर की बात कर चुके हैं, राम और श्याम, अब रह गए बाबूराव। तो यार अब आ जाते हैं यार ईथर पे। तो ईथर एक प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ईथर यार क्या है, अगर आपका ऑक्सीजन एटम से या ये दोनों आपके दो अल्काइल जुड़े हों, या फिर एक अल्काइल एक अराइल रिंग जुड़ी हो, या फिर आपके दोनों अराइल रिंग जुड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं ईथर। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आते हैं और काफ़ी वेटेज भी रखता है। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग से। तो यहाँ पे मैंने तीनों आपका अल्कोहल का भी एग्जांपल लिया है, फिनोल का भी लिया है और ईथर का भी लिया है। तो यार सबसे पहला जो आपका IUPAC का रूल होता है वो होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली कि भाई कौन सी बन रही है, तो 1, 2, 3, 4। और आपका सबसे अब फंक्शनल ग्रुप को कौन से को प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 हमारे 4 मेंबर रिंग हो गई है। और 2 पे आपका है ब्रोमीन, अल्फाबेटिकल आपको लिखना होता है। तो 2 पे ब्रोमीन, 3 पे मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और आपका कितने मेंबर की रिंग है, 4 की। तो ब्यूट 2 पे आपका क्या है, देखो आपको कैसे गिनना होता है, यहाँ जहाँ से आप काउंटिंग करते हो ना। अब भाई कई बच्चे पूछते भी है 2 पे एल्कीन है या फिर 3 पे एल्कीन है, जहाँ से आप काउंट करते हो जो पहला कार्बन पे आता है ना वो आपका काउंट किया जाता है। तो 2 पे इन और 1 पे आपका क्या है ऑल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये ऐसे आपका IUPAC नेमिंग आपने करनी है। अब आ जाते हैं यार फिनोल के कंपाउंड पे। यहाँ पे भी आपको क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी क्या बन रही है, 1, 2, 3। तो और 3 पे क्या है, इस वाली रिंग को हम बोलते हैं, अगर आपका कार्बन से कोई पूरी बेंजीन रिंग जुड़ी है ना तो उसको IUPAC नेमिंग में हम फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 3 पे फिनाइल, और अगर आपका हमने यहाँ से करिए तो आपका एल्कीन कितने पे है, 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो 3 पे फिनाइल, 3 मेंबर की रिंग है, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। अब आ जाते हैं ईथर की नेमिंग पे। सबसे पहले वही सेम रूल, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो 1, 2, 3। एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका मिथोक्सी जो हमारा ईथर होते हैं ना उनमें आते हैं मिथोक्सी, इथोक्सी, जैसे अगर O पे CH3 जुड़ा हुआ है तो मिथोक्सी है, CH3 CH2 जुड़ा है तो इथोक्सी है, प्रोपोक्सी है, इस तरह आपका आता है। तो वो आपके IUPAC नेमिंग में काउंट नहीं होता कार्बन, जैसे इस वाले कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते, ये मिथोक्सी ग्रुप है पूरा, OCH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी 1, 2, 3, और 2 पे हमारा क्या है, 2 पे हमारा ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोलते हैं मिथोक्सी। तो हमारा 2 पे मिथोक्सी, 2 पे मिथाइल, 3
गिरेंगे तो प्रोपेन आ जाएगा, दो मिथोक्सी दो मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह आपको यार नेमिंग करनी है। तो अब डिस्कस करते हैं यार बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल फिनोल्स की, कि यार अगर आपका कोई अल्कोहल फिनोल है उसको अगर हम बॉइल कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाते हैं, या फिर डिफरेंट कौन से फैक्टर्स है डिश पे, ये दोनों पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। तो पहला आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यार काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक मोलर मास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रांचिंग, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका मेन फैक्टर है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का मेन फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है तीन अगर ऐसे आपके एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, अगर ये तीन एटम प्रेजेंट है ना हाइड्रोजन के साथ, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब आपको पता है यार जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, देन आपका जो 2 डिग्री होता है उसमें होता है, 3 डिग्री में तो आपको पता है हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होते हैं, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े होते हैं और एक OH जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर हो जाता है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड। तो यहाँ पे 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर है। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोमेरिक है अगर आपके कंपाउंड आइसोमेरिक यार, लाइक अगर आपका ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के यार एक तो हम सिंपल रिंग बना सकते हैं और एक हम क्या कर सकते हैं ब्रांचिंग बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आइसोमेरिक बोलते हैं इसको। तो यार बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो स्ट्रेट चेन है ना वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं यार जो आपकी स्टेट चेन का ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है और जो आइसो ब्यूटेन है, उसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको आंसर करना आना चाहिए। अब आ जाते हैं यार आपका फिनोल पे। फिनोल भी जो होता है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपके अदर हाइड्रोकार्बन है उससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फिनोल में आप देख रहे हो यार यहाँ पे भी क्या होती है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देख सकते हो आप। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अदर हाइड्रोकार्बन्स है उसके अगर हम कंपेयर करें तो अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी फैक्टर पे। तो सॉल्युबिलिटी यार, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये मैंने पहले भी बताया था मीन्स के वन शॉट में, कि जैसे जैसे आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि अगर उसको आप पानी के अंदर डालोगे तो वो अपोज करते हैं। जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा, अगर जितना बड़ा होगा ना उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हमारा 1 डिग्री के अंदर जो हमारे छोटे कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, वो तो इजीली चले जा रहे क्योंकि उनके अंदर जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कम होता है। लेकिन अगर आपका 3 डिग्री है या कोई बल्कि मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, जो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट होगा, वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है? तो इसका रीजन है बिकॉज इट रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो अपोज करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो यार मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करेगा, उसको फॉर्मेशन में दिक्कत देगा। इसीलिए जो है हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हैंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब एल्कोहल्स और फिनोल्स के अंदर अगर हम कहें कि यार किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यार ऑब्वियसली हमारी एल्कोहल्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा फिनोल मॉलिक्यूल होता है, फिनोल मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बड़ा होगा उतना वो अपोज करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि जो फॉर्मेशन है उसको अपोज करेगा। इसलिए जो हमारे एल्कोहल्स हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। इसके आपको नोट्स के अंदर भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। यहाँ से यार आपके मेजरली क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यार सबसे पहले तो फिनोल एसिडिक है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? यार आपको पता है मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर ऐसा एल्कोहल्स या फिनोल्स के साथ होता है तो मतलब कि वो भी एसिड से। तो हमने यहाँ पे देखा कि एसिड, हमने यहाँ पे मिथेनॉल लिया, उसमें हमने सोडियम मेटल डाला, तो सोडियम मेटल डालने पे यार वी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो एसिड करते हैं, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। सेम हमने फिनोल के साथ करके देखा, सोडियम मेटल डाला इसके अंदर तो हमने देखा कि यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यार मतलब हमारे जो एल्कोहल्स और फिनोल्स है ये वही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जो एसिड करता है। इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारे ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स और फिनोल्स, ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं।
इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन यार अब आता है कि भाई फिनोल वर्सेस अल्कोहल वर्सेस वाटर कि ये कितने एसिडिक है, क्या इतने एसिडिक है कि हमारी बॉडी को हार्म कर देंगे, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या वाटर से ज्यादा एसिडिक होती है अल्कोहल, ये भी हमने देखना पड़ेगा। तो एसिड्स यार वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देते हैं, और जो उस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने के बाद जो अनायन बनता है वो अनायन अगर स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल है उतना अच्छा एसिड है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब फिनोल है, फिनोल में से हाइड्रोजन जो है लूज कर दिया, हाइड्रोजन लूज कर दिया मतलब एसिड्स तो लूज करते हैं, तो इन्हें हाइड्रोजन लूज करा। अब हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसका, अब नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा ना उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा भाई, नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही तो अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे अब जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एसिडिक होता है, तो इस नेगेटिव को क्या होगा फिनोल रिंग के अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चले जाता है, रेजोनेंस में चले जाता है ऑर्थो और पैरा पे, ये क्या कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है दोबारा इस पे नहीं लग पाता है। तो हाइड्रोजन लूज ये इजिली कर देता है और जो हमारा अनायन बनता है वो स्टेबल बनता है, जिसकी वजह से फिनोल का एसिडिक करेक्टर एल्कोहल्स और वाटर से तो ज्यादा ही है, क्यों, क्योंकि बनने वाला अनायन स्टेबल है। अब आ जाते हैं एल्कोहल्स पर, एल्कोहल्स को हमने तोड़ा, हमने देखा ये अनायन है और ये हाइड्रोजन है। अब यार ये अनायन कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये कोई अनायन रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और दूसरी बात ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मतलब ये तो यार नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है मतलब इस पे अब नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो मतलब डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन वापस ही जंप कर जाएगा, तो मतलब इसका एसिडिक करेक्टर ना यार कम है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम होने की बजाय बढ़ रहा है, इसलिए एसिडिक करेक्टर एल्कोहल का कम होता है। लेकिन किससे कम होता है, वॉटर में देखा हमने, वॉटर में हमने देखा कि हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, यहाँ से कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव उतना ही रह रहा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बढ़ जा रहा है, इसलिए हमारा जो अल्कोहल्स होते हैं वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑर्डर होगा फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन वाटर, देन अल्कोहल, ठीक है, इस तरह आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कि अल्कोहल्स में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑक्सीजन को, जिससे वो नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से डिस्टेबलाइज होता है, ठीक है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर वाटर से कम होता है। ऑर्डर आपका होगा फिनोल अल्कोहल एंड देन वाटर। अब आ जाते हैं सबसे मेन बात इस स्लाइड की, कि अगर हम फिनोल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब यार कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, NO2 है, साइनाइड है, या फिर आपका हलाइड है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब यार मान लो यहाँ पे कोई मैंने NO2 लगा दिया, अब ये क्या करेगा, NO2 ये नेगेटिव चार्ज को, जैसे अभी तो यहाँ पे रेजोनेंस में जा ही रहा था, लेकिन ये NO2 क्या करेगा, ये और तेजी से नेगेटिव चार्ज खींचेगा, और तेजी से नेगेटिव चार्ज खींचने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब, और कम होने का मतलब यार नेगेटिव चार्ज कम होता है तो एसिडिक करेक्टर तो बढ़ता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 है, CNX है, ये सारे आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ाते हैं अगर फिनोल रिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लाइक NH2 है, आपका मिथोक्सी है, या आपका कोई अल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये क्या करेंगे, अगर मान लो NO2 की जगह मैं OCH3 लगा दूं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करेंगे, डोनेट करेंगे मतलब ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब एसिडिक करेक्टर कम, तो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अगर फिनोल से जुड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, एसिडिक करेक्टर घटाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये सब्स्टिट्यूएंट को अच्छे से ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, तो कभी भी आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, देन आपका फिनोल का होगा, देन आपका इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो लगे उनका होगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसमें भी ऑर्डर होता है कि आपका जो ऑर्थो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर होगा इनमें भी,
पैरा, अगर ये पैरा पे लगा है ना तो पैरा का सबसे ज्यादा होगा, देन ऑर्थो का होगा और देन आपका मेटा का होगा। मेटा जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता फिनोल, इसलिए मेटा पे जो है सबसे कम इफेक्ट शो करता है। अगर ये इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है ना तो मेटा पे सबसे कम इफेक्ट शो करेगा, स्टिल शो करेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा का ज्यादा होगा। मतलब अगर आपके पास ये ओ, ये आपका NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप अगर मान लो आपका मेटा पे लगा हुआ है, तो मेटा पे लगा हुआ है तो ये फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक है लेकिन ऑर्थो और पैरा से कम एसिडिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स के सवाल आते हैं वो आपको मैं आपको अच्छे से नोट्स के अंदर भी दूंगा, वहां से जरूर उसको चेक कर लेना। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे यार एलिफैटिक रिएजेंट चार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और दो मैकेनिजम्स जो आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक जो रिएजेंट चार्ट है आपका अल्कोहल का, कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन करेंगे तो कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, कीटोन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, मतलब हम ये जो और जो स्पेशल रिएजेंट है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यार आर ओ एच आपका कोई अल्कोहल है, ठीक है, वो इथेनॉल मिथेनॉल प्रोपेनॉल हो सकता है। तो अगर आपको इथेनॉल के अंदर आप फॉस्फोरस प्लस में X2 डाल दो, X2 आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड या फिर ट्राई आयोडाइड नहीं होता, ट्राई क्लोराइड या फिर ट्राई ब्रोमाइड अगर लिखा जाता है, तो अगर आप ये P प्लस X2 डालते हो अल्कोहल के अंदर तो वो अल्काइल हलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। अब अगर आप अल्कोहल के अंदर क्या करोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका पीसीसी या फिर CrO3, ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप अल्कोहल के अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, कब, जब अगर आप 1 डिग्री आपका अल्कोहल है ना, तो 1 डिग्री के अंदर आपने वीक रिएजेंट डाला है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर यही पीसीसी CrO3 आपने 2 डिग्री के अंदर डाला है तो 2 डिग्री के अंदर आपको कीटोन मिलेगा। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर आप वीक रिएजेंट डालते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक पीसीसी या CrO3, तो एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 डिग्री के अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या फिर आप स्ट्रॉन्ग भी डालते हो ना तो भी आपको दोनों केसेस के अंदर कीटोन ही मिलेगा, और आपके वीक हो गए पीसीसी CrO3 और स्ट्रॉन्ग आता आपका K2Cr2O7 और यहाँ पे जोन्स रिएजेंट है आपका CrO2 CrO3 H2SO4। तो ये आप अगर आप 2 डिग्री के अंदर डालते हो, ये मैंने 1 डिग्री के अंदर डाला है, अगर आप ये 2 डिग्री के अंदर डालते हो तो भी आपका कीटोन ही बनेगा, मतलब कि 2 डिग्री के अंदर मैटर नहीं करता कि आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब अगर आपका 1 डिग्री है अल्कोहल है और उससे आपको एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका K2Cr2O7, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और KMnO4 भी होता है। इसके अलावा आपका जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। तो अगर आप ये 1 डिग्री के अंदर डालते हो तो डायरेक्ट एसिड के अंदर आपका कन्वर्जन होता है। तो हमने वीक का डिस्कस कर लिया ऑक्सीडेशन, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यार अगर आप अल्कोहल का करोगे ना तो फिर वो आपका हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करते हो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। अब रिडक्शन के लिए आपके दो रिएजेंट होते हैं, एक LiAlH4 एक NaBHO4। अब NaBH4 जो है ये है वीक रिडक्शन रिएजेंट और ये आपका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन रिएजेंट है LiAlH4। अब अगर आप LiAlH4 डालते हो 2 डिग्री के अंदर, आप स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो, आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। तो ये चीज आप को ध्यान रखनी है कि आपका ये वाला जो रिएजेंट होता है ना LiAlH4, इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप 2 डिग्री के अंदर स्ट्रॉन्ग यूज करो या वीक यूज करो, आपका 2 डिग्री आपका अल्कोहल ही बनना है। लेकिन अगर आपका एसिड है और एसिड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप LiAlH4 का यूज करोगे तो आप डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल में पहुंच जाओगे। तो ये था आपका रिडक्शन वाला पार्ट। अब आ जाते हैं यार ये देखो, अगर आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI का इस्तेमाल करते हो अल्कोहल के अंदर तो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक इथेनॉल के अंदर आप रेड फॉस्फोरस और HI डालते हो तो वो आपका इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब अगर आप देखो एल्कीन से अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो यार आप क्या करोगे,
आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराओगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवाओगे तो आपका एल्कीन में, एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म भी करा है, अल्कोहल से एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल से दोनों के अंदर आपको क्या करना होता है, एसिडिफाइड हाइड्रेशन कराना होता है, बस यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन होता है। अगर अल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो डिहाइड्रेशन, और एल्कीन से अल्कोहल में करना है तो हाइड्रेशन होता है, वो भी एसिड कैटलाइज्ड। तो ये आपका एल्कीन से कन्वर्जन होगा, मैकेनिज्म में अच्छे से समझाऊंगा। अब यहाँ देखो ये आपका स्पेशल रिएजेंट है कॉपर 573 केल्विन, ठीक है, ये आपका स्पेशल रिएजेंट है। मैं आपको बताता हूँ, अब देखो हमने 1 डिग्री का यूज बताया आपको कि यार 1 डिग्री के अंदर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। 2 डिग्री के अंदर कुछ भी डालते हो वीक या स्ट्रॉन्ग, आपका कीटोन बनेगा। लेकिन मैंने 3 डिग्री का आपको बताया नहीं, क्योंकि 3 डिग्री में यार ऐसा कोई कन्वर्जन होता नहीं है। लेकिन एक स्पेशल रिएजेंट है यहाँ पे कॉपर 573 केल्विन पे, अगर आप अल्कोहल के अंदर डालोगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल अगर है ना वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। यहां से मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है तो आपका एल्कीन में कन्वर्ट होगा, अगर आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन के अंदर होगा, और 1 डिग्री है तो आपका एल्डिहाइड में। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री का तो सेम है कि भाई 1 डिग्री में कॉपर 573 डालोगे तो 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री में कीटोन बनेगा, 3 डिग्री के अंदर यहाँ पे एल्कीन के अंदर कन्वर्जन होता है। तो होप आपको यार ये चार्ट समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इससे काफी रिएजेंट के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब यार आपको ये भी बता देता हूँ, एल्काइल हैलाइड के अंदर एक्वस KOH डालते हो तो आपका अल्कोहल बनता है, और इसी के अंदर KOH ही डालना है आपको, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो तो आपका एल्कीन बनता है। तो आप देख सकते हो खाली अल्कोहलिक और एक्वस से ही आपको दो अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, अगर एक्वस तो अल्कोहल और अल्कोहलिक है तो एल्कीन आपको देखने को मिलता है। तो ये था यार कन्वर्जन, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं यार दो मैकेनिज्म है, इनसे जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले देते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, मतलब अगर आपको बोल दे एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, या तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि राइट द एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, या फिर आपको ये वाली रिएक्शन देखने को मिलती है और फिर आपको बोलते हैं राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, और आपको रिएजेंट भी गिवन है H पॉजिटिव और H2O, मतलब हमें पहले हाइड्रेशन का, मतलब H पॉजिटिव क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल का यूज करना, देन वाटर का यूज करना, देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यार स्टेप आपका फर्स्ट रहेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले जो आपका किसी भी मैकेनिज्म में स्टेप रहता है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रहता है यार। तो हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव के अंदर और HSO4 नेगेटिव में, तो जो H पॉजिटिव है ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन जो हमारा सेकंड स्टेप होता है मोस्टली यही रहता है कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो हमने क्या करा, इस एल्कीन के अंदर हमने H पॉजिटिव डालो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहाँ है ना, डबल बॉन्ड या तो इस कार्बन पे लगे या इस वाले कार्बन पे लगे। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना के देख ली कि अगर ये हाइड्रोजन बीच वाले पे लगता है तो आपका 1 डिग्री बनेगा कार्बोकैटायन, और अगर बीच साइड वाले पे लगता है तो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब कि हमें 2 डिग्री को कंसीडर करना है। तो 2 डिग्री को हमने कंसीडर करा, लास्ट स्टेप में आपका हुआ एडिशन ऑफ वाटर। देखा आपका फर्स्ट स्टेप रहा एच पॉजिटिव का यूज, सबसे पहले हमने एच पॉजिटिव बनाया, फिर एच पॉजिटिव का यूज करा, फिर हमने वाटर का यूज करा, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे हम वाटर का एडिशन करते हैं तो एच पॉजिटिव है ऑक्सीजन पे होते हैं, लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स ने अटैक करा पॉजिटिव पर, तो यहाँ पे आपका इस तरह की फॉर्मेशन हो गई, वाटर आपका पूरा मॉलिक्यूल यहाँ के लग गया। अब यार ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो वो सहन ही नहीं कर पाएगा, तो वो छीनेगा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, मतलब डीप्रोटोनेशन। एच पॉजिटिव अगर निकल जाता है तो उस स्टेप को बोलते हैं हम डीप्रोटोनेशन। यहाँ से एच पॉजिटिव निकल गया और यहाँ से आपका फाइनली 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो होप आपको यार ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन पे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैंने यार एक आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है और एक सिमेट्रिकल, दोनों से ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इसलिए मैंने दोनों कंसीडर करे हैं। ये आपका एसिड गैस्ट्रोलिस डिहाइड्रेशन। अब उल्टा करना है हमें, अब हमें अल्कोहल से एल्कीन में जाना है। स्टेप आपको आपको देखो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं होता, तो इस टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला स्टेप जैसा कि उसमें था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करी, एच पॉजिटिव जनरेट करा। सेकेंड स्टेप में यार इसको आप बोल सकते हो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी बोल सकते हो वैसे, लेकिन हमें यहाँ पे बोलना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही माज रहा है। जैसे हमने क्या करा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया, यहाँ पे भी आप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी लिख सकते हो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी। तो यहाँ पे जैसे हमने एच पॉजिटिव का वही सेम हमने इलेक्ट्रो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं तो एच पॉजिटिव ने अटैक करा तो यहाँ पे आपका वाटर बन गया। अब यार ये वाटर ना इजीली निकल जाएगा क्योंकि यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज सहन ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब वाटर का रिमूवल यार इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो इतना आसान नहीं होता इसलिए आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। अब जैसे क्या है, टेम्परेचर सपोर्ट करेगा इसके बॉन्ड ब्रेकेज को सपोर्ट करेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इजीली निकल जाएगा। जो डिफिकल्टी भी आ रही थी वो भी क्या होगी, वो भी इस टेम्परेचर की वजह से इजीली ये निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर का जैसे रिमूवल होता है आपको कार्बोकैटायन देखने को मिल गया। अब इस कार्बोकैटायन के अंदर देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एच पॉजिटिव और ये HSO4 भी तो निकला है। अब ये HSO4 का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा, जैसे हमारा कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन में आपको अब डीप्रोटोनेशन करना, लास्ट स्टेप आपका डीप्रोटोनेशन होता है, फर्स्ट आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने डीप्रोटोनेशन करा यूजिंग बेस, बेस आपका है HSO4-। अब ये बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हुआ आपका, क्या हुआ यहाँ पे, आप कार्बोकैटायन जिस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है अल्फा है और जिससे साइड वाला वो होता है बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन होता है, तो बीटा वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो आपका एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे यार प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल एंड फिनॉल्स की रिएक्शंस, और हम इसमें टेस्ट भी डिस्कस करेंगे एक। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूमीन प्रोसेस। यार ये एक प्रिपरेशन मेथड है फिनोल के लिए। इसके अलावा एक डाउस प्रोसेस होता है जिसको मैंने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के वन शॉट में इंक्लूड कर दिया था क्योंकि उसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो वाली प्रिपरेशन मेथड मैंने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में करवा दिया है। आप वो वन शॉट देखोगे तो वो कवर हो जाएगा आपका। तो अब डिस्कस कर लेते हैं यार क्यूमीन प्रोसेस। तो यार क्यूमीन से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्यूमीन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो क्यूमीन अगर बेंजीन रिंग से आपका ये CH2 degree आपका, ये देखो यहाँ पे एक है प्रोपेन है, अगर आपका बेंजीन से प्रोपेन लग बेंजीन रिंग पे प्रोपेन लगाओ तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। अब यार क्यूमीन की एक मैं आपको अब यहाँ पे पहले मैं रिएक्शन बताऊँ, उसका ट्रिक बताऊंगा आपको। क्यूमीन के अंदर जब आप ऑक्सीजन डालते हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, अब यार जब हम सनलाइट जो मेजरली हम यूज करते हैं वो हम परोक्साइड, जब भी हम हाइड्रोजन परोक्साइड की रिएक्शन होती है तो हम सनलाइट यूज करते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ परोक्साइड इसका ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इनके बीच में परोक्साइड बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन का। आप देख सकते हो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओ नहीं है, ये परोक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पे परोक्साइड लिंकेज आ गया, बाकी ये CH3 सेम। अब जैसे मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो ये पूरा जो आपका ये देखो ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल है CH3CO, ये पूरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट एसीटोन, और ये OH जो है ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और फाइनली आपको फिनोल एज अ मेन प्रोडक्ट और एसीटोन एज अ साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यार आपको रिएक्शन की मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्यूमीन प्रोसेस है, तो प्रोसेस से आपको ये याद रहना चाहिए कि परोक्साइड लिंकेज इसके अंदर आने वाला है। तो क्यूमीन से क्या रहा है, क्यूमीन कमीन, तो मतलब यार एक स्टोरी है, कमीन टाइप के लोग धूप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूंट मारते हैं। अब यार मेरे को घूंट क्या होता है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, घूंट हम एज अ यहाँ पे फिनोल को डिनोट कर रहे हैं। तो कमीन टाइप के, तो मतलब क्यूमीन से रिएक्शन स्टार्ट होनी है, धूप में मतलब सनलाइट यूज हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
क्या करते हैं, घूट मारते हैं। तो मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट घूट होगा, फिनोल होगा। और प्रोसेस से आपको याद रहेगा कि यार परोक्साइड लिंकेज बीच में बनता है। तो क्यूमीन और ये वाला जो मेथड है ना यार, प्रिपरेशन मेथड फिनोल का, दिस इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर। कमर्शियली अगर आपको फिनोल को प्रिपेयर करना होता है तो हम ये मेथड यूज करते हैं। अब इसमें ये भी पूछा जाता है यार, व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ क्यूमीन प्रोसेस। तो साइड प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, एसीटोन एज अ साइड प्रोडक्ट इस प्रोसेस में होता है। अब यार डिस्कस कर लेते हैं कोलबेस रिएक्शन, जो कि रियली काफी इंपॉर्टेंट है। कोलबेस रिएक्शन में यार हमारी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फिनोल की, ये प्रिपरेशन थी। तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली रिएक्शन है, तो फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट होगी। जब फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट होगी और जो ऐसी रिएक्शंस है ना, जो भी फिनोल की रिएक्शन होती है, लाइक हमारा जो कोलबेस प्रोसेस था उसमें भी NaOH, स्टार्टिंग में हम NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ भी हम NaOH यूज करते हैं और यहाँ रेमन टेमन में भी हम NaOH यूज करते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना कि फिनोल की जो रिएक्शन होगी मेजरली उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसमें NaOH यूज करेंगे। तो फिनोल में जब हम NaOH डालते हैं तो आपका सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट बनता है। एसिड के अंदर जब आप बेस डालते हो तो सॉल्ट बनता है ऑब्वियसली, ठीक है, इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब सोडियम फिनोक्साइड के अंदर जब आप 400 केल्विन पे 4 से 7 एटीएम का प्रेशर लगाओगे और CO2 ऐड करोगे, तो CO2 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको COONA ग्रुप आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये Na पॉजिटिव, Na और COO, ये दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन होकर COONA बनाया है और यहाँ पे आपका सोडियम सैलिसेट बन गया। क्या बना है, सोडियम सैलिसेट। अब भी सोडियम सैलिसेट का जब आप एसिडिफिकेशन कराते हो तो क्या होगा, यहाँ से एसिडिफिकेशन जैसे आप कराते हो तो आपका ये जो सोडियम, ये आपके सॉल्ट बन रहा है ना, ये आपका फाइनल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका फिनोल पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका COOH ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो आपकी कोलबेस रिएक्शन है वो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड तक ही है, ये जो आगे प्रोसेस है दूसरा है। तो आपको ध्यान रखना है, कोलबेस रिएक्शन आती है तो फिनोल से आपको सैलिसिलिक एसिड तक, ये यहाँ से लेके आपके जो 1, 2, 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आपको लिख के आने हैं। तो ये वाली जो रही है, अब ये एक बात और रहती है कि भैया यहाँ पे हमारा जो हुआ है ये COOH ऑर्थो पोजीशन पे क्यों आया, पैरा पे क्यों नहीं आया। यार पैरा पे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे COOH और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट जो है मेजर होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो कोलबेस प्रोसेस है इसमें यार ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, ये एस्प्रीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो हमने क्या करा, सैलिसिलिक एसिड का क्या कराया, एसिटाइलेशन कराया। यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करा है। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3COOCOCH3, और जो हमारा क्लीवेज होता है ना एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो हमेशा इस तरह होता है कि आपका CH3CO यहाँ से आपका क्लीवेज होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो CH3COO ये आपका अलग से निकल जाएगा और ये जो CH3CO है ये आपका इस पर अटैक करेगा, किस पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे आपको OCOCH3 और COOH तो ऐसा ही रहेगा, और ये बेंजीन रिंग पे जब आपका OCOCH3 और दूसरी पोजीशन पे COOH लगाओ तो इसको हम बोलते हैं एस्प्रीन, और एस्प्रीन आपको पता है मेडिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ये पूछा जाता है हाउ टू प्रिपेयर एस्प्रीन, तो आपको प्रिपेयर करनी है एस्प्रीन, यहाँ से फिनोल से आप यहाँ तक रिएक्शन लिख के आओगे अगर 4 मार्क्स में आता है। अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रीन तक प्रिपरेशन करके आओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है यार कोलबेस रिएक्शन। अब आ जाते हैं रेमन टेमन रिएक्शन पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। रेमन टेमन रिएक्शन यार इसमें भी आपका फिनॉल एज अ रिएक्टेंट होगा, इसके अंदर आपने जब क्लोरोफॉर्म डालोगे CHCl3 डालते हो जब आप, तो आप CHCl3 और सेकेंड स्टेप में NaOH स्लैश वाटर डालते हो 340 केल्विन पे, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसिलाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलाल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रेमन टेमन सैलिसिलाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है और कोलबेस प्रोसेस सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे आपको याद कैसे रहेगी, तो यार रेमन टेमन रैमर, तो इससे क्या आ रहा है, रैमर यानी रैमर मतलब रैमर जाएगा, तो रैमर जाएगा टाइमैन, मतलब इससे ये नहीं कि तीन मैन नहीं लग रहे टाइमैन, तो थ्री मैन, तो मतलब तीन मैन अगर यार एक बंदे को मारेंगे तो ऑब्वियसली वो मर ही जाएगा, तो रैमर जाएगा अगर तीन मैन, तीन लड़के, तीन आदमी एक आदमी को मारेंगे। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर
कार्बन और हाइड्रोजन पे तीन क्लोरीन लगे होते हैं, तो वो है आपका क्लोरोफॉर्म। तो आपको ध्यान रहेगा यार टाइम एंड मतलब कि तीन और तीन लगातार आते हैं आपके क्लोरोफॉर्म के अंदर। और रे मर जाएगा, कौन मर जाएगा? फिनोल। तो फिनोल के अंदर जब क्लोरोफॉर्म डालते हो NaOH, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में डालना ही होता है 340 केल्विन पे, तो यहाँ से आपका 3NaCl और 2H2O निकल जाएगा। CHO आपके ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो पोजीशन पे सेम रीजन है, ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है CCl2 रेमन टेमन रिएक्शन के अंदर। अब आ जाते हैं लास्ट में यार फेरिक क्लोराइड टेस्ट पे, FeCl3 टेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब आप फिनोल के अंदर यार FeCl3 डालते हो, FeCl3 जब फिनोल के अंदर डालते हो तो आपको वॉयलेट कलर ऑब्जॉर्व होता है। लाइक अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका एक फिनोल है, उसके अंदर जब FeCl3 एड ऑन करते हो तो जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आप देखोगे कि वॉयलेट कलर आपको ऑब्जॉर्व होगा। लेकिन जब आप ऐसा एलिफैटिक अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं यार, अगर आपका बेंजीन से CH2OH जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अगर आप एलिफैटिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल में FeCl3 डालते हो, लाइक अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर एलिफैटिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल है उसमें FeCl3 डाला, तो आपको कोई ऐसा वॉयलेट कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि फिनोल में वॉयलेट कलर आएगा, और अगर आपका कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो वो आपका एलिफैटिक अल्कोहल है। अब एक बात और कि जो FeCl3 टेस्ट है वो कौन कौन दिखा सकते हैं, तो जिसके पास भी आपका इनोलिक ग्रुप होगा, इनोलिक होता है डबल बॉन्ड कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं इनोलिक ग्रुप। जैसे कि आपको पता है फिनोल जो है, फिनोल से आपका जो डबल बॉन्ड कार्बन जो है उससे डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको इनोलिक बोलते हैं। तो इनोलिक ग्रुप जिस पे भी होगा उसके लिए आपको वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। तो ये था FeCl3 टेस्ट, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फिनोल के कन्वर्जन का चार्ट, जो कि यार रियली काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसमें नेमिंग रिएक्शन भी कवर होती है। तो यार सबसे पहले आपका जो मॉलिक्यूल है बेंजीन से अगर OH ग्रुप जुड़ा तो उसको हम फिनोल बोलते हैं, और फिनोल के अंदर अगर आप जिंक डस्ट डालते हो तो आपका बेंजीन बन जाता है। जिंक डस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जड़ से उखाड़ देगा OH को, तो जिंक डस्ट डालोगे तो सीधा बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का जब आप क्या कराओगे, इसको मैंने करवाया हुआ है आपको, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जब आप कराते हो फ्रीडलग्राफ एल्काइलेशन, तो आपका क्या बनता है, टोल्यूइन बनता है। जब बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं, और जब आप टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करते हो KMnO4 डालते हो टोल्यूइन में, तो आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपके पास कन्वर्जन आ सकता है कि फिनोल से आपका टोल्यूइन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले आप बेंजीन में कन्वर्ट करोगे, फिर आपका फ्रीडलग्राफ एल्काइलेशन करोगे। अगर फिनोल से बेंजोइक एसिड बोलता है तो भी आपका 1, 2, 3 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ये जो कंपाउंड है अगर बेंजीन रिंग से N2Cl जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के कन्वर्जन देखना चाहते हो तो मेरी पॉपुलर वीडियोज में सबसे पहले वही मिलेगी आपको। तो आप ये BDC के अंदर जब हम वार्म वाटर डालते हैं, मतलब ये इतना रिएक्टिव कंपाउंड है, इसके अंदर गर्म पानी भी डाल दोगे तो भी फिनोल बन जाता है। BDC के अंदर NaNO2HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे तो ये कंपाउंड बनेगा। बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप जुड़ाओ तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो फिनोल से अगर आपको एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो फिनोल से एनिलीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिनोल से सबसे पहले बेंजीन के अंदर जाओगे। बेंजीन का जब आप नाइट्रेशन कराते हो, बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन पे NO2 आ जाएगा। और जब बेंजीन पे NO2 आ जाएगा उसका रिडक्शन कराते हो ना SNHCl डाल के, तो आपका बनता है एनिलीन। ठीक है, तो वहां से आपको फिनोल से एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने अमीन्स का जो चार्ट है उसमें आपको कवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि वो जो कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ वो उसका पार्ट है। अब आ जाते हैं यार अगर आपको फिनोल के अंदर जब आप NaOH डालते हो, फिनोल एक एसिड है और उसके अंदर जब आप बेस डालोगे तो आपका सॉल्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। जब आप इसके अंदर एसिड डालोगे तो ये वापस फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों रिएक्शन से तो आप फेमिलियर हो गई। जब आप फिनोल के अंदर CHCl3 डालते हो प्लस एक्वस NaOH डालते हो तो ये कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, और इसमें क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो आपका ये सैलिसल्डिहाइड
यहाँ से प्रिपेयर हो गया। अब से अगर आप ये ना, पता क्या होता है, आपको फिनोल और ये रिएजेंट लिख के दे देंगे और प्रोडक्ट पूछते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। अब ऐसे ही अगर आप NaOH डालते हो फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में CO2 डालते हो प्लस एसिडिफाइड वाटर, तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कॉल बेस्ड रिएक्शन का प्रोसेस है। जब आपको यार कन्वर्जन करने होता है तो टेम्परेचर मेजरली मेंशन नहीं किया जाता है। और अब जब सैलिसिलिक एसिड का जब आप क्या करते हो एसिडिक एनहाइड्राइड डालते हो, तो आपका ये जो कंपाउंड बनता है एस्पिरिन, OCOCH3 जुड़ जाता है OH की जगह, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। और अब फिनोल के अंदर जब आप Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 डालते हो, इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन डालते हो, तो जो आपका फिनोल है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है दोनों तरफ से। और ये जो कंपाउंड बनता है ये एक ही रिएक्शन है जिसके अंदर आपका एरोमेटिक कीटोन बनता है, इसको हम बोलते हैं बेंजो क्विनोन। क्या बोलते हैं? बेंजो क्विनोन। तो ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। और अब ये फिनोल के अंदर जब Br2 पानी डालते हो, Br2 पानी डालते ही आपका तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे आप फिनोल में Br2 पानी डालते हो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, इसको बोलते हैं हम 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी रह गया ये, जब आप सोडियम फिनोक्साइड के अंदर CH3Cl डालते हो, तो CH3Cl जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे आके लग जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन से OH3 जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एनिसॉल। ठीक है, तो ये हमारी जो विनोल के कन्वर्जन, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अब जो फिनोल है ना यार, फिनोल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग मतलब ये जो ग्रुप है ना यार, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग पे कि आपका जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ना वो तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे कैसे लग गया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा डोनेट कर देता है ऑर्थो पैरा पे, जिससे आने वाला न्यूक्लियोफाइल तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो OH ग्रुप है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेजोनेंस करके भी दिखाता हूँ, हमसे पूछा भी जाता है कई बार कि ड्रो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिनोल के यार ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर ने यहाँ पे रेजोनेंस होगा, लोन पेयर डोनेट करे। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब नेगेटिव चार्ज इस वाले पे जाएगा और ये जो बॉन्ड है आपका टूट के नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यार आपका रेजोनेंस होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो पोजीशन है, मतलब नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर दोबारा ऑर्थो पे, आपका ऑर्थो पैरा पे ही ये घूमेगा, मेटा पे ये आपका नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा फिनोल पे वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा। अब मैं यार आपको कुछ रिएक्शन डिस्कस कर लेता, जैसे कि हैलोजिनेशन है। फिनोल में जब हमने 3Br2 डाला प्लस वाटर, यही रिएक्शन जो हमने करी है, तीनों पोजीशन पे Br आके जुड़ जाता है, इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि इसका जो कलर होता है ये वाइट PPT यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जबकि फिनोल के अंदर आपको वाइट PPT मिलती है Br2 डालने पे, लेकिन जब आप एलिफेटिक के अंदर Br2 डालते हो तो कोई ऐसी वाइट PPT देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो फिनोल को और एलिफेटिक एल्कोहल को। अगर लेकिन आपको यार, अब ये तो तीनों पोजीशन पे मिल गए, लेकिन अगर आप बोलो भैया मेरे को तो एक ही पोजीशन पे चाहिए, तो कैसे करें? तो यहाँ पे आप यार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हो, CCS2 ले सकते हो, CCS2 ब्रोमीन को CCS2 के अंदर, वाटर की जगह हमने CCS2 ले लिया। तो जैसे हम CCS2 लेते हैं तो आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पैरा पे आके लगता है और माइनर ऑर्थो पे, क्यों? क्योंकि पैरा पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पे आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है अगर आप ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हो। ऐसे ही यार आप नाइट्रेशन भी कर सकते हो फिनोल का। फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 यूज करना है कॉन्सेंट्रेटेड, वरना फिर दोबारा तीनों पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो हमने जैसे फिनोल के अंदर डाइल्यूट NaOH डाला, तो HNO3 डाला, तो आपका एक बार तो ऑर्थो पे आके लग रहा है, एक बार पैरा पे आके लग रहा है। लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन इसका, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है ना ये NO2 है, नाइट्रोजन आपको पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ऑर्थो वाला तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना आपका पैरा वाला, ये दूसरे वाले जो पैरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल करेगा ये करेगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये करेगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि जो आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना वो स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब कि अगर आप उसको स्टीम दोगे तो वो जो है इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इनको स्टीम डिस्टिलेशन करते हो इन दोनों का, तो आपका इंट्रामोलिक्यूलर तो उड़ जाएगा और आपको खाली जो आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है पैरा वाला, वो आपको बीकर के अंदर मिल जाएगा। तो आप स्टीम डिस्टिलेशन से इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ना नाइट्रेशन के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लेकिन जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है उसका ज्यादा होता है, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि क्योंकि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि कंपैरेटिवली वीक होती है एज कंपेयर टू जो पैरा प्रोडक्ट के अंदर जो होती है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर। इसकी वजह से जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू आपका जो पैरा वाला प्रोडक्ट है। तो मेन बात यही है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेयर टू इंटर, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो होप यार आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। तो अब लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे यार ईथर की नेमिंग रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस और जो काफी इंपॉर्टेंट है HI क्लीवेज ऑफ ईथर, जिससे क्वेश्चंस इन दोनों से आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। तो यार विलियमसन की बात करूं तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट होता है वो होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जब आप सोडियम फिनोक्साइड या फिर सोडियम अल्कोक्साइड या NaOR आपका अल्कोक्साइड भी हो सकता है और आपका फिनोक्साइड भी हो सकता है, जब आप डालते हो तो आपका यहाँ से NaX मतलब NaCl NaBr भी हो सकता है, तो NaX निकल जाएगा और ये OR आके इस पर लग जाएगा और RO R- बन जाएगा, ये आपका ईथर है। अल्काइल अराइल ईथर भी हो सकता है और अल्काइल ईथर भी हो सकता है। तो यार एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है आपका मिथाइल आयोडाइड के अंदर सोडियम मिथोक्साइड, तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ से NaI निकाल दो, NaI निकालने के बाद जो ये पूरा बच जाता है ये पूरा जाके वहाँ लग जाएगा, तो NaI निकालने के बाद CH3O CH2 CH3, कुछ नहीं करना आपको, NaCl जो आपका सॉल्ट होता है वो निकाल देना है बस। यहाँ पे हमने लिया सोडियम फिनोक्साइड, ये मैंने कन्वर्जन में भी कराया था, सोडियम फिनोक्साइड में डाला, क्या डालना है यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, कुछ नहीं करना NaI निकाल दो, ये CH3 जाके यहाँ लग जाएगा, ये बन गया आपका, इस कंपाउंड को बोलते हैं NaSO। अब यहाँ पे यार विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन भी है, ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन होती है और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 degree 2 degree 3 degree, मतलब का जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो 1 degree होगा तो इजिली रिएक्शन हो जाएगी, 2 degree में भी हो जाएगी लेकिन 3 degree में जो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जब हमने 3 degree हैलाइड लिया और उसके साथ हमने मिथाइल सोडियम मिथोक्साइड लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस की जगह एलिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार 3 degree का जो ऑर्डर होता है ना रिएक्टिविटी वो SN2 में नहीं होता है, वो एलिमिनेशन में चले जाता है, फिर एलिमिनेशन, इसलिए यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे आपको एल्कीन देखने को मिलती है। तो इसकी लिमिटेशन यही है कि 3 degree के साथ आपको ईथर नहीं बजाय आपको एल्कीन देखने को मिलता है। अब इसकी रिएक्शन की मैं ट्रिक बताऊँ तो यार विलियमसन सिंथेसिस से क्या आ रहा है, विलियमसन मतलब विलन का सन, और विलन का सन क्या करता है, इधर उधर घूमता है, गजब बेइज्जती है। तो इधर उधर मतलब ईथर, इधर उधर ईथर, तो विलन का सन इधर उधर घूमता है मतलब विलियमसन। तो विलियमसन रिएक्शन से आपको याद होना चाहिए विलियमसन क्या है, मतलब विलन का सन इधर उधर घूमता है, मतलब ईथर को प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन है। अगर आती है तो आप ये पहले जनरल रिएक्शन और उसके बाद इनमें से एग्जांपल्स लिख सकते हो। अब आए यार HI क्लीवेज ऑफ ईथर पे, तो HI क्लीवेज से यार बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया था कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो यार सबसे पहले हम देखें तो 1 degree 2 degree जो क्लीवेज है वो स्मॉलर ग्रुप्स की तरफ से होता है, मतलब कि अगर HI डालते हो ईथर